So today we are 10 days out from the IHFF India Pro Show. But उनसे भी ज़्यादा मेरी गलती है, तो सबसे पहले sorry. बहुत सारे लोग बोल रहे थे, बॉडी दिखाइए. यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है. मेरे को भी हो रहा है. तो दोस्तों, क्या आप लोगों के बेहतर भी धक धक हो रहा है? सिद्धांत जायसवाल की कंप्लीट फिजिक अपडेट देखने के लिए तो इसका कंप्लीट वीडियो लेके आ चुका है. एंड दोस्तों, मनोज पाटिल ने अपने हेटर्स को क्या रिप्लाई किया इसकी कंप्लीट अपडेट देखेंगे. एंड दोस्तों, सिंघा सबसे क्यों माफी मांग रहे इसका कंप्लीट वीडियो लेके आ चुके. तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते. तो हमारे पहले बॉडी बिल्डर है राजा अजीत. दोस्तों, यहाँ पास आप राजा अजीत की दो पिक देखेंगे. एक पहले हम जो आपको दिखाए वो फ्रंट के, फिर इसके बाद जो दिखाएंगे वो बैक के. दोस्तों, हम आपको यहाँ पास फ्रंट की पिक में आप यहाँ पास दो पिक देख रहे होंगे. जो पहली पिक है ये इनके नरेश सूर्य क्लासिक के पहले के टाइम के, मतलब कि जब इन्होंने प्रो कार्ड भी हासिल नहीं किया था. दोस्तों, आप पहली पिक में फ्रंट में दोनों फोकस कर सकते हैं कि इन्होंने कितना ज्यादा मसल मास गेन कर लिया है. दोस्तों, अभी केवल इनको एक साल ही हुआ है इस बॉडी को कन्वर्ट करने में. तो दोस्तों, आपको यहां पर राजा अजीत की एक साल के ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. अब दोस्तों, हम राजा अजीत के बैक की भी आपको पिक दिखा देते कि राजा अजीत ने अपने बैक में भी कितना ज्यादा सॉलिड काम किया. दोस्तों, आप इनके अपर बैक, मिडिल बैक और लोअर बैक तीनों बैक को जब फर्स्ट नंबर वाली पिक से कंपेयर करेंगे तो आप यहां पर मिडिल बैक और लोअर बैक में देख सकते हैं कि डिजास्टर चेंजेस आपको दिख जाएंगे. वहीं बस आप इनके ट्रैप्स के भी कंडीशन देख सकते हैं, जो कि अपर बैक में होता है उसमें भी काफी बड़े चेंजेस दिख रहे हैं. लेट्स भी काफी ज्यादा वाइड खुल रहा है पहली पिक के अपेक्षा दूसरे पिक में. तो दोस्तों, आप लोग क्या लगता है, क्या राजा अजीत इस बार मुंबई प्रो शो 2022 क्वालिफाई करके ओलंपिक के लिए वेगस जा पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. अब दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं. तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है रवनीत सिंह. दोस्तों, आप सभी को जानते हैं कि रवनीत सिंह अपनी कंप्लीट फिजिक काफी ज्यादा हाइट करके रखते हैं. दोस्तों, लेकिन रवनीत सिंह ने भी अपने लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर करते हुए इस पिक को शेयर किया, जिसमें आप इनकी फ्रंट और बैक की पिक में फोकस कर सकते हैं कि इनकी स्किन कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही, बॉडी एस्थेटिक लुक में लग रहा है, जो कि एक मैन फिजिक कैटेगरी के बॉडी बिल्डर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है. अब दोस्तों, हम रवनीत सिंह की पहली पिक में फोकस कर लेते हैं. आप इनके मिड सेक्शन में फोकस कर सकते हैं, सिक्स पैक क्लियर रूप से विजुअल हो रहा है. बॉडी में सेपरेशन आप साफ तौर पर देख सकते हैं. चेस्ट पिक काफी ज्यादा ह्यूज लगे, शोल्डर थ्री डी शेप में दिख रहा, जो इनके फ्रंट की कंडीशन है वो टॉप नॉच पर लग रही. अब दोस्तों, हम इनके बैक की पिक के विषय में बात कर लेते हैं. आप यहाँ पर सबसे पहले इनके अपर बैक में फोकस कर सकते हैं कि जो बैक है इनका वाइड एंगल में खुला, शोल्डर 3D शेप में दिख रहा, शोल्डर मतलब 3D शेप में आप इनके रियल डेट में फोकस कर सकते हैं, जो कि काफी सारे बॉडी बिल्डर का एक वीक पॉइंट होता है. लेकिन दोस्तों, इस बार रवनीत सिंह ने अपने रियल डेट में भी काफी अच्छा काम किया. वहीं दोस्तों, आप इनके मिडिल और लोअर बैक में फोकस कर सकते हैं कि फैट परसेंटेज काफी कम दिख रहा. तो दोस्तों, आपको यहाँ पर रवनीत सिंह की एस्थेटिक लुक की बॉडी कैसी लग रही, क्या रवनीत सिंह भुवन चौहान को बीट कर पाएंगे मुंबई प्रो शो में कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. अब दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं. तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है IFBB प्रो कार्ड होल्डर महेश चौहान. दोस्तों, महेश चौहान के लेटेस्ट फिजिक अपडेट लेकर आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पास इनकी फ्रंट पिक देख सकते हैं. दोस्तों, यहाँ पास से पोजिंग दे रहे फ्रंट डबल बाइसेप. तो दोस्तों, आप इनके अपर बॉडी से लेकर लोअर बॉडी तक में जब फोकस करेंगे तो सबसे पहले हम लेग के विषय में बात कर लेते हैं, जो कि एक बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी के बॉडी बिल्डर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है. आप इनके थाई एरिया के मसल देख सकते हैं, थाई में सेपरेशन देख सकते हैं, क्लियर उसे विजुअल, और थाई भी काफी ज्यादा बड़े दिख रहे हैं. अब दोस्तों, इनके थाई सेल का नीचे उतरते हैं तो आप इनके काल्फ की भी कंडीशन देख सकते हैं, काल्फ क्लियर उसे विजुअल हो रहा है, काल्फ भी काफी ज्यादा बड़े दिख रहे हैं. अब दोस्तों, हम इनके अपर बॉडी के विषय में बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले मिड सेक्शन को देख लेते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके एब्डोमिनल पार्ट्स में एब्स क्लियर रूप से विजुअल और बॉडी में सेपरेशन देख सकते हैं, मसल मैच्योरिटी देख सकते हैं, प्लस आप इनके बॉडी में वेंस देख सकते हैं कि क्लियर उसे विजुअल हो रही, मतलब कि इनके बॉडी में फैट परसेंटेज काफी कम है. अब दोस्तों, हम इनके बैक की पिक देख लेते हैं. दोस्तों, आप इनके अपर बैक में फोकस कर सकते हैं कि अब तक क्या महेश चौहान मुंबई प्रो शो जीत के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. अब दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं. तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है सनी शर्मा और ये खेलते क्लासिक फिजिक कैटेगरी से और इनके कोच है इकबाल सैयद. दोस्तों, यहाँ पास आप सनी शर्मा के लेटेस्ट दो पिक देख सकते हैं. तो दोस्तों, सबसे पहले हम इनकी पहली पिक में फोकस कर लेते हैं. आप इनके बॉडी में लैट्स देख सकते हैं, क्लियर उसे विजुअल हो रहे, एब्डोमिनल पार्ट की कंडीशन देख सकते हैं. और सबसे पहली बात, क्लासिक फिजिक कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैक्यूम, जो कि आप इनके मिड सेक्शन में फोकस कर सकते हैं कि वैक्यूम क्रिएट हो रहा. अब दोस्तों, हम हल्का नीचे उतर आते हैं तो आप इनके लेग की कंडीशन देख सकते हैं. लेग में आप थाई एरिया में देख सकते हैं कि सेपरेशन क्लियर रूप से विजुअल हो रहा. वहीं दोस्तों, आप इनके शोल्डर की कंडीशन, कंप्लीट आर्म्स की कंडीशन सेकंड वाली पिक में देख सकते हैं, जिसमें आप इनके शोल्डर, कंप्लीट आर्म्स प्लस चेस्ट एंड लेग में देख सकते हैं कि फाइबर क्लियर रूप से विजुअल हो रहा है और बॉडी में मसल मास भी देख सकते हैं, प्लस बॉडी में फैट परसेंटेज काफी कम होने का आप इनके प्रत्येक मसल को देख सकते हैं, कंडीशन टॉप नॉच पर लग रही. तो दोस्तों, आप लोग क्या लगता है, क्या क्लासिक फिजिक कैटेगरी में सनी शर्मा इस साल प्रो कार्ड जीत पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. अब दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं. तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है आप सभी के फेवरेट मैन फिजिक कैटेगरी के बॉडी बिल्डर मनोज
पाटिल। दोस्तों मनोज पाटिल फिर से एक्टिव हो गए अपने इंस्टाग्राम पे और आप यहाँ पर देख सकते हैं मनोज पाटिल इस बैग की पिक को शेयर करते हैं और इसके नीचे कैप्शन में लिखते हैं टॉक बिहाइंड माई बैग बिकॉज यू कैन ओनली टॉक बिहाइंड माई बैग। और इसके अलावा दोस्तों वो इस स्टोरी में काफ़ी सारी बातें शेयर करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पहली स्टोरी देख सकते हैं सारे टट्टे एक जगह और मनोज पाटिल अकेला खड़ा है शेर की तरह, और हाँ टट्टों की टीम और भी बड़ी होगी मुझे गिराने के लिए लगाओ ताकत। इसके बाद दोस्तों मनोज पाटिल सेकेंड स्टोरी शेयर करते हैं जिसमें लिखते हैं कि इन लोगों को मेरी बुलेट रिपोर्ट चाहिए, जाओ ग्रुप कॉल पर जाके वहाँ पास बात कर लो, तुम लोगों को रिपोर्ट चाहिए तो मेरे से मांग लो, मैं सारी बुलेट रिपोर्ट भेज दूंगा। इसके बाद वो नेक्स्ट स्टोरी शेयर करते हैं अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि मेडिसिन कुछ यहाँ पर डालते हैं और इसके नीचे लिखते हैं मेरी किडनी और लीवर फेल हुए हैं इसलिए इतनी दवाई खानी पड़ रही। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है कि मनोज पाटिल यहाँ पर किसको रिप्लाई कर रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है अमित पंगाल। दोस्तों अमित पंगाल ने बैंकॉक थाईलैंड में अपना कॉम्पिटिशन जीत के जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जिसकी अपडेट हमने आपको इससे पहले दे चुके हैं। उसके बाद और वो दोस्तों अमित पंगाल इंडिया लौट चुके हैं और वो अपनी अमेचर ओलंपिया की तैयारी उन्होंने स्टार्ट कर दी, इसके विषय में उन्होंने कुछ अपडेट दी, आप उसको सुन लीजिए। दोस्तों अगले गेम की तैयारी शुरू हो गई है, पूरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया, अब घर जाऊंगा, खाऊंगा, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, फिर शाम की तैयारी करूंगा, फिर खाऊंगा और उसके बाद फिर रात को रिलैक्स की तैयारी करूंगा। तो मेहनत तो होती है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं होती, लेकिन वो दिखती नहीं है, वो लास्ट में किसी किसी को दिखती है, सबको नहीं दिखती, लेकिन होती बहुत है। तो दोस्तों यहाँ पास अमित पंगाल के अब लेटेस्ट फिजिक अपडेट देख सकते हैं पिक और वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इनके लेग की कंडीशन टॉप नॉच पे लग रही है, लेग में आप देख सकते हैं मसल मास इस बार इन्होंने कितना ज्यादा अपना गेन कर लिया। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है क्या अमित पंगाल अमेचर ओलंपिक 2022 में प्रो कार्ड हासिल कर पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं, उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे भी इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है भुवन चौहान। What's going on, everyone? So today we are 10 days out from the IHFF India Pro Show. I just got done with my last leg workout, and just wanted to tell you guys that come meet all the pros, all the athletes at the IHFF event on 28th, 29th, and 30th October in Mumbai at the Bombay Exhibition Center. I will be there competing on the 30th, as well as for the meet and greet. So see you guys there. दोस्तों हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है सिंघा राजपूत। जैसे कि आप यहाँ पर जो ये वीडियो देख रहे हैं ये इनका लेटेस्ट वीडियो है कॉम्पिटिशन का। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये इस बार अपने कॉम्पिटिशन में कोई भी मेडल नहीं जीते हैं, इसके विषय में उन्होंने क्या कहा आप उसका कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। उसके बाद सिद्धांत जायसवाल ने अपनी फिजिक अपडेट क्या शेयर की है हम उसका आपको कंप्लीट वीडियो दिखा देंगे। मैं वीडियो बना रहा हूँ अपोलोजाइज करने के लिए कि मैंने पिछले 5 महीने बहुत ही हाइप किया कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा, ये मारूंगा वो मारूंगा, और स्टेज पे जाके आई कुडंट डू इट। बहुत सारे रीजंस हैं, एक्सक्यूजेस नहीं बोलेंगे, वो मेरी एक गलती के कारण वो बहुत सारे रीजंस बने हैं, कुछ सरकमस्टेंशियल भी हैं बट उनसे भी ज़्यादा मेरी गलती है। तो सबसे पहले सॉरी आप लोगों को, एज फैंस यू हैव सपोर्टेड मी इतना ज़्यादा, और क्या हगा है मैंने, लिटरली हगा है मैंने। और इस टाइम पे बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे, बहुत सारी मेरे पे वीडियोस बनी हैं, बहुत सारी गालियाँ आई हैं, गालियाँ तो सामने से ही सुन रहा था कॉम वेन्यू पे, तो वो भी डिजर्व ही करता हूँ क्योंकि व्हेन यू टॉक यू नीड टू प्रूव इट, एंड आई टॉक्ड एंड आई कुडंट प्रूव इट, तो फिर वो डिजर्व करता हूँ मैं, ठीक है। इन द मीन वाइल पिछले 5 महीने बहुत लोगों को इंस्पायर भी किया है, बहुत लोगों को अच्छा भी फील कराया वीडियोज़ के थ्रू, उसका भी प्राउड है। अभी ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड शैटर हो गया है, गिर गया है वर्ल्ड। तो अब पूछेंगे लोग कंपटीशन में हुआ क्या, तो कंपटीशन में हुआ ये कि मैंने 2 स्क्वाट के अटेम्प्ट लिए 247.5, दोनों फेल किया, एंड आई वाज जस्ट नॉट फीलिंग स्ट्रॉन्ग। मतलब मैं वार्म अप करते वक्त ही ऐसा फील कर रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊँगा, मेरा हार्ट बीट तेज पम्प कर रहा है, मेरे को लग रहा है मैं गिर जाऊँगा, अभी बेहोश हो जाऊँगा, और इसके रीज़न मैं बताता हूँ। तो पूरा प्रेप मैंने 97-98 kgs पे करा और मैं यहाँ आया, और वो 98 kgs से 92 kgs आने के लिए 4 दिन बड़ी तपस्या करी गई। सारे लोग बोल रहे थे बॉडी दिखाइए बॉडी दिखाइए बॉडी दिखाइए, लिए बैठ लिए बॉडी पीजी का बेट